हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संविद। मैं कुमुद वीरा रावेरकर हूँ। मैं इंदौर मध्य प्रदेश केंद्र से जुड़ी हूँ। मैं बापू जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी पहले, पर जब से मैं बापू जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आए हुए हैं मुझे। सबसे पहले मैं मेरा अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैं है ना बहुत अभी 3-4 साल पहले मैं बहुत बीमार हुई थी। मैं इतनी बीमार हो गई थी कि सब डॉक्टरों ने मेरा इलाज करते करते नहीं शब्द बोल दिया था कि बोले कुछ भी नहीं हो सकता, अब इनको घर ले जाओ, बोले सब इनके कंडीशन ख़राब है और घर जाके सेवा करो बोले इनकी। और फिर घर के सब लोग रोने लग गए, बोले उत्ते में सब डॉक्टर आसपास के बात कर रहे थे। जब सब बोल रहे थे, एक डॉक्टर वहाँ पे आया, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बताया कि बोले नहीं अभी थोड़ी नस चल रही है, बोले इनको अपन दूसरे दवाखाने में शिफ्ट करेंगे बोले। तो उनने मुझे अरविंदो में शिफ्ट कराया। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ के डॉक्टरों ने भी मुझे नहीं लिया, बोले नहीं हम नहीं ले सकते, केस बहुत क्रिटिकल है। पर मैं मेरे को सद्गुरु के बारे में बहुत विश्वास था, बापू जी के बारे में बहुत विश्वास था। मैं बापू को ही याद कर रही थी कि बापू अब तू जो करेगा वही सब ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जैसा रखना है वैसा रख, मुझे जैसा करना है वैसा कर। बापू जी ने मेरे को वहाँ शिफ्ट कराया। मैं गई वहाँ पे, डॉक्टरों ने सब मना कर दिया, फिर भी उन्होंने आईसीयू में मुझे रखा। और फिर एक डॉक्टर आया, बोले नहीं इलाज करेंगे बोले अपन इनका, बोले ये ठीक हो जाएंगे बोले। मेरे को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, वहाँ पे मैं बापू बापू पुकार रही थी, बापू को ही याद कर रही थी कि मैं मेरे बापू मेरे साथ है तो मुझे क्या डर है। मैंने बापू को पुकारा, डॉक्टर जब मुझे इंजेक्शन बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन लेने गया, जब मैं पलंग पे लेटी लेटी बापू जी को पुकार रही थी, उत्ते में मेरे सिराने आके बापू बैठ गए और मेरे को बापू जी ने बोला हरिओम श्री राम अम्बज्ञ, मेरा काम हो गया मैं चला। बापू जी ने इतना मुझे बोला और बापू चले गए। वहाँ आके मेरे को दृष्टांत दिया बापू जी ने। फिर भी मेरे को इंजेक्शन देने के बाद भी मैं बेहोश नहीं हुई, तो फिर डॉक्टरों ने दूसरा इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मेरे को बेहोशी की हालत हुई मेरी और मेरा ऑपरेशन हुआ। आज मैं उनकी कृपा से, सद्गुरु कृपा से, मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठी हूँ। मैं ऐसे है मेरे बापू जिन्होंने मुझे इस परिस्थिति में से भी बाहर निकाला और मैं आज उनकी कृपा से यहाँ पे हूँ। अम्बज्ञ श्री राम नाथ संविद।